हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत आसार हैं। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ए रोड मैप फ्रॉम 2022 टू 2030, 2030 तक है जी, 2030 तक। क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO द्वारा रिलीज किया गया डॉक्यूमेंट है। इसके तहत क्या करना है? इट एम्स एट सिक्योरिंग एंड सस्टेनेबली मैक्सिमाइजिंग, किसको? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्वाटिक फूड सिस्टम टू फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स फॉर ऑल। ब्लू यहाँ शब्द किससे लिया गया है? समुद्र से। तो बेसिकली समुद्र से प्राप्त होने वाले फूड को बढ़ावा देना है हमने, एक्वाटिक फूड सिस्टम को बढ़ावा देना है, ताकि हमको फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और किस कैसे मिले? एट अफोर्डेबल प्राइस पर मिले सबको। बेसिकली सी फूड, एक्वाटिक फूड को बढ़ावा देना इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आगे है जी क्यूटो एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट है जी क्यूटो एडजस्टमेंट। ये क्या है एडजस्टमेंट? इट इज द एडजस्टमेंट मेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 2018। किसको एडजस्ट किया है, किसके टारगेट को एडजस्ट किया है, किसमें थोड़ा चेंज किया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील करता है, जरा याद करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील करता है ओजोन डिप्लीशन से, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस से। इट एम्स एट अवॉइडिंग 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इंटरेस्टिंग है पॉइंट, देखो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं करना हमने। तो आप कहोगे सर टेम्परेचर राइज तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। देखो हमने पहले किगाली अमेंडमेंट पढ़ा, प्रैक्टिकली क्यूटो अरेंजमेंट्स या एडजस्टमेंट वर मेड टू इंप्लीमेंट द किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया? क्यूटो एडजस्टमेंट की, ठीक है जी। हमने पहले भी पढ़ा भी कैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने कुछ गैसों का क्या किया था, विकल्प ढूंढा था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन वगैरह गैसेस हमने मैनमेड की थी, पर उसमें क्या था कि ये वाली गैसेस काफी अधिक, चाहे ये ग्रीन ओजोन की डिप्लीशन नहीं करती, पर चक्कर क्या पड़ा कि ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत करती है, इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा था, तो ये काफी वार्मिंग करती थी। तो इसके तहत हमने किगाली अमेंडमेंट की, तो उसी के तहत हमने अरेंजमेंट बनाई क्यूटो एडजस्टमेंट भी, हमने अवॉइड करना है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। आगे है जी टिपिंग पॉइंट्स। टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? और क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स आर लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल चेंजेस, भी जब चेंज हो रही है इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, तो एक ऐसा लेवल तक जहां पर क्या हो, इफ क्रॉस्ड, कि हम अगर इस लेवल को क्रॉस कर गए तो क्या होगा, कुड ब्रिंग ए रिवर्सिबल चेंजेस इन द अर्थ सिस्टम। तब अर्थ के सिस्टम में ऐसी चेंजेस आएंगी कि हम उसको सुधार नहीं सकेंगे, उनके इफेक्ट क्या होंगे, ए रिवर्सिबल, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इवन इफ देयर इज नो फर्दर वार्मिंग, चाहे उसके बाद फर्दर वार्मिंग ना हो, पर अगर एक लिमिट के बाद हमने इकोलॉजिकल चेंजेस आ गई तो उनको सुधारा नहीं जा सकता, चाहे उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग करना बंद भी कर दें, पर वो वाली चेंजेस क्या है, बहुत ही खतरनाक है, वो इरिवर्सिबल है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। मतलब टिपिंग पॉइंट भी इस पॉइंट से आके हमको खतरा है। द 6 टिपिंग पॉइंट्स लाइकली टू बी क्रॉस्ड आर गिवन बिलो। तो ऐसे 6 वाले कौन टिपिंग पॉइंट है, देखो ग्रीनलैंड आइस शीट कोलैप्स। ग्रीनलैंड में अगर आइस की शीट है वो पिघल गई तो हम दोबारा नहीं उसको वैसे बना सकते। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट कोलैप्स, अंटार्कटिक के वेस्ट में अगर शीट कोलैप्स हो गई, पूरी बर्फ पिघल गई गर्मी के कारण, तो हम इसको दोबारा नहीं बना सकते। कोरल रीफ्स, हम का मतलब कुदरत, कोरल रीफ्स डाई ऑफ इन द लो लैटिट्यूड्स। लो लैटिट्यूड्स ठीक, वो मध्य रेखा के आसपास वाले लैटिट्यूड्स, अगर वहां पर कोरल रीफ्स होते ही ट्रॉपिकल एरियाज में है, अगर कोरल रीफ्स डाई कर गए तो उसको हम दोबारा
नहीं बना सकते, है ना, उस पहली स्टेज पर नहीं ला सकते। सडन थाइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में जो परमाफ्रॉस्ट है, काफी हजारों सालों से बर्फ जमी हुई है परमानेंटली, अगर वो पिघल गई तो उसको दोबारा नहीं हम रीगेन कर सकते। अब्रप्ट सी आइस लॉस इन द बेरेंट सी, बेरेंट सी में अगर एकदम बर्फ पिघल गई तो भी हम नहीं कर सकते इसको दोबारा रिकवर। अब देख लो जी बेरेंट सी का है कहाँ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, बेरेंट सी आया न्यूज में, तो इसको मैप में देख लेना है, तो आपका मैप वाला क्वेश्चन भी हो गया। बेरेंट सी ये देख लो जी, फिनलैंड स्वीडन रशिया इनके ऊपर है बेरेंट सी, रशिया फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे, ठीक, व्हाइट सी है, नॉर्वेन सी है ना, ये है आर्कटिक है ऊपर, ये है बेरेंट सी, आपको लोकेशन पता होने चाहिए। और क्या है, कोलैप्स ऑफ ओशन सर्कुलेशन इन द पोलर रीजन, कोलैप्स ऑफ ओशन सर्कुलेशन इन द पोलर रीजन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, ठीक, पोलर रीजन में अगर ओशन सर्कुलेशन कोलैप्स हो गई, इनका ओशन का जो वाटर है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करता, तो ये अगर कोलैप्स हो गया तो भी रीगेन नहीं किया जा सकता। ये छह के छह आपने याद नहीं रखने, आपने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक दो बार पढ़ लेना है। इन इंडिया एक डाटा है, देखो सारे डाटा हमने याद नहीं रखने, पर काम वाले डाटा जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनको जरूर फोकस करना है। इन इंडिया टॉप स्टेट्स हैविंग एलिफेंट्स आर, एलिफेंट की संख्या के हिसाब से टॉप स्टेट्स कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है जी कर्नाटका, आसाम नहीं है पहले नंबर पर, केरला नहीं है पहले नंबर पर, कौन है कर्नाटका, फिर बात आती है जी असम की, फिर बात आती है केरला की। ये सेंसस 2017 का है, तो ये आपने याद रखना है, पहले नंबर पर एलिफेंट के टर्म्स में कौन है, कर्नाटका, फिर असम और फिर केरला। आपको पहले दो तीन पता हो तो बात बन जाएगी। आगे है जी देखो लैंटाना कैमरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना है, जहां कभी जंगल होंगे ना, रिजर्व फॉरेस्ट होंगे अपने आसपास, ऐसे जहां झाड़ियां वगैरह होंगी, तो ये वाला लैंटाना कैमरा आपको दिख जाएगा इजीली, लैंटाना कैमरा, इसको कोशिश करना आपको दिखे, तो ऐसी फोटो होती है इनकी, ऐसे फूल होते हैं इनके, ठीक। क्या है जी ये, इट इज अ स्मॉल पेरेनियल श्रब, छोटे साइज की, पेरेनियल मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में हुई या गर्मियों में हुई, ये रहती है सदाबहार है, झाड़ी है। क्या है प्रॉब्लम, इट इज एन इनवेसिव स्पीसीज, इनवेसिव स्पीसीज हमने पढ़ा, ऐसी स्पीसीज जो जिस जगह जाती है तो वहां पर दूसरे जो वनस्पति है उसको नुकसानदेह होती है, और ये काफी जल्दी फैलती है, ठीक है जी। इनवेसिव स्पीसीज टू द, है ना, ओके, एंड नेटिव कहाँ की है जी, नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, ये मेक्सिको ब्राजील, आपका मेक्सिको ब्राजील और ऊपर से अर्जेंटीना, इस एरिया में है ना पाई जाती थी, तो वहां से फिर ये फैल गई बाकी रीजन में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल रीजन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, दिखने में सुंदर था, फूल फाल लगते थे, वाजी वाह, तो क्या किया इन्होंने, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ट्रॉपिकल रीजन में ले आए, है ना, जैसे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1807, 19वीं सदी में ये इंडिया में भी ले आए, तो फिर बस क्या है, ये फैलना शुरू हो गया। इनके क्या ना जो बीज वगैरह होते हैं वो परागकण हवा के द्वारा ही उड़कर एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं, और ये बस बढ़ती रहती है जी। अच्छा जी, इट कवर्स वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, कितने एरिया में फैल जाती है, स्टॉपिंग द नेचुरल राइट, अब क्या होगा, इतना अब झाड़ियां बन गई है तो जो नीचे दूसरे वनस्पति है वहां तक क्या है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, और उनका न्यूट्रिशन भी चूस लेगी जी धरती से, न्यूट्रिशन फॉर अदर फ्लोरा एंड फौना, तो उनके न्यूट्रिशन को भी स्टॉप कर देगी। द टॉक्सिक सब्सटेंस इन इट्स फॉलिएज, पत्तों में क्या है जो काफी टॉक्सिक सा सब्सटेंस पाया जाता है, एंड राइप बेरीज आल्सो अफेक्ट द एनिमल एडवर्सली, तो इनको अगर जीव जंतु खाते भी हैं तो उनको फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगी जी, इनवेसिव स्पीसीज है जी लैंटाना कैमरा, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी इनवेसिव स्पीसीज है, तो लैंटाना कैमरा तो है ही है। सी कुकम्बर, ये देखो ऐसा जीव होता है कोई, सी कुकम्बर दिखने में खीरे टाइप का लगा आपको, देखो ठीक, समुंदर में पाया जाने वाला,
इसे सी कुकुम्बर कह देते हैं। कुकुम्बर मतलब खीरा, सी कुकुम्बर देखो ऐसा दिखने में होता है। अब देख लिया, अब पढ़ लेते हैं। फाउंड इन ओशियंस, समुद्र में पाया जाता है। इट हैज नो लिम्स, हमने देखा इसके हाथ पैर नहीं है, और आइस, आइस भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, और ब्लड, खून भी नहीं होता। इन इंडिया इट्स ट्रेड इज बैंड, इंडिया में इसका व्यापार नहीं कर सकते आप, ट्रेड इसका बैंड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने क्या किया है, इम्पोज्ड ए टोटल बैन ऑन हार्वेस्टिंग, आप इसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको इन जैसे होते ना हार्वेस्टिंग भी, आपने खुद के प्लांट में सी ककुम्बर को पैदा किया, ऐसा नहीं कर सकते, हार्वेस्ट नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते सी ककुम्बर इन 2001। हमने पहले से ही इसके ऊपर टोटल बैन लगा दिया है, टोटल बैन है इंडिया में। इट इज वेरी बेनिफिशियल टू द बेंथिक एनिमल्स, बेंथिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो समुद्र के बॉटम में पाए जाते हैं। एज दे रिलीज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो समुद्र में ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस टाइप ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, इसलिए ये बेंथिक एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स की प्रिजर्वेशन में भी इनका अपना रोल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बैन है इसके ऊपर, ये बात होगी। आगे है जी डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क का मतलब डेजर्ट में होगा कहीं पार्क। लोकेटेड नियर द टाउन्स ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर, राजस्थान जहां पाया जाता है। इट इज द ऑनली प्लेस वेयर द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काफी बड़ा होता है ये, तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो इट इज द ऑनली प्लेस वेयर द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, कौन सा बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बात होगी। स्टेट एनिमल, राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है, चिंकारा, दूसरी बात होगी। एंड द स्टेट ट्री, राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है, खेजड़ी, इस प्लेस में स्टेट ट्री, ठीक है, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल एंड स्टेट फ्लावर रोहिडा, स्टेट फ्लावर राजस्थान का कौन सा है, रोहिडा, ये सारे फाउंड होते हैं नेचुरली, इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। आगे है जी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कहां है, राजस्थान में, आर से राजस्थान और आर से रणथंभौर, याद हो गया। सिचुएटेड नियर अरावली हिल्स एंड विंध्या प्लेटू, जहां पर पाया जाता है। एनक्लोज बाय चंबल रिवर, एक तरफ चंबल रिवर बहती है एंड बनस रिवर, दूसरी तरफ बनस रिवर बहती है, फ्रॉम द टू साइड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो अरावली हिल्स एंड विंध्या प्लेटू पर पाया जाता है, इसके एक तरफ चंबल रिवर है, दूसरी तरफ बनस रिवर है, ये कौन सा है टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे है जी सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी कहां है, राजस्थान में, कहां, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज आल्सो ठीक है ना, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज का पार्ट है जी, ठीक है जी। अरावली रेंज हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कैसे जी गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान से पूरा दिल्ली तक रेंज चलती है अरावली की पहाड़ियां। आगे है जी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, देखो हमने सारे टाइगर रिजर्व नहीं रटे मारने, इंपॉर्टेंट वाले छोड़ने नहीं है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, बिहार में कोई एक टाइगर रिजर्व है तो वो कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ है ये, नॉर्दर्न बिहार में, नेपाल के साथ लगते एरिया में। द रिजर्व फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हिमालयन ट्राई फॉरेस्ट इन इंडिया, तो भारत में हिमालय ये जो ट्राई वाले एरिया है उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। एंड सिचुएटेड इन द गंगेटिक प्लेन्स, ओके जी। द फॉरेस्ट हैज ए, क्या है फॉरेस्ट में, लिखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाबर एंड ट्राई ट्राइब्स, बाबर और ट्राई दोनों की बेल्ट पाई जाती है। जो फ्लड प्लेन्स हमने पढ़ा, नदी का फ्लड प्लेन्स होते हैं नदी के, तो उसमें बब्बर बेल्ट और ट्राई बेल्ट आती है, ये बात होगी। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी भी है और उसमें नेशनल पार्क भी है, टुगेदर मेक अप द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
इस दोनों को मिलाकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कह दिया जाता है। द टाइगर रिजर्व शेयर्स ए बॉर्डर विद नेपाल चितवन नेशनल पार्क, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, नेपाल के साथ बॉर्डर है, पर नेपाल का वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बॉर्डर है, तो वो है चितवन नेशनल पार्क, ये बात होगी। द पार्क इज बाइसेक्टेड बाय टू रिवर्स, इसमें दो नदियां गुजरती हैं, कौन सी, गंडक एंड मसान रिवर, ये दो नदियां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गुजरती हैं। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय द रिवर गंडक, उसके पश्चिम में कौन सी रिवर है, गंडक, ठीक है। आगे जी हट्टी कम्युनिटी, पूछा जा सकता है हट्टी कम्युनिटी के बारे में। दे मोस्टली रिजाइड्स इन द ट्रांस गिरी एरिया ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, कहां पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में ऊपर पहाड़ों में। हट्टी आर डिमांडिंग फॉर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये न्यूज में काफी थे हट्टी कम्युनिटी, दे आर डिमांडिंग फॉर इंक्लूजन इन द एसटी लिस्ट, भी हमको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एंड इंक्लूजन ऑफ ट्रांसगिरी रीजन इन शेड्यूल ट्राइब एरिया, तो इनके रीजन को शेड्यूल ट्राइब एरिया में शामिल करो, दोनों डिमांड थी इनकी। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं अगर ये टॉपिक है न्यूज में तो। अदर एसटी कम्युनिटीज इन हिमाचल कौन कौन सी है, किन्नर्स, गड्डीज, गुज्जर्स, लाहौल्स एंड पंगवला, तो आपने गड्डीज और गुज्जर जरूर याद रखना, गड्डी कम्युनिटी भी किधर पाई जाती है, हिमाचल में, ठीक। आगे है पैडी पैलेट स्कीम, पैडी राइस की कल्टीवेशन पैलेट स्कीम, इट एम्स टू इंसेंटिवाइज एंटरप्रेनर्स टू मैन्युफैक्चर पैलेट्स फ्रॉम पैडी स्टबल, भी हे एंटरप्रेनर्स, हे व्यापारियों, आप क्या करो, व्यापारी तो चलो हो गए, ट्रेडर एंटरप्रेनर होते हैं जो कुछ, हाँ व्यवसायिक लोग ही हो गए ये, क्या करें वो, जो पैडी स्टबल है ना, जो भूसा बचा पैडी को पैदा करने के बाद, ठीक, हार्वेस्ट करने के बाद, उसका क्या करें, पैलेट बना दे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े बना दे, उनको इंसेंटिवाइज करेगी सरकार, ऐसे एंटरप्रेनर्स को, ऐसे पैलेट्स कहीं यूज किए जा सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग बाय मोनेटाइजिंग द स्टबल, वे आपने स्टबल बर्निंग नहीं करनी, जो स्टबल बचा है उसके सरकार पैसे देगी किसान को, और जहां मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव को देगी कि आप इसका कुछ बनाओ, पैलेट्स वगैरह बनाओ। द पैलेट्स कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद कोल इन द थर्मल पावर प्लांट्स एज फ्यूल, तो कोयले के साथ इनको ऐसे पैलेट्स थर्मल पावर प्लांट में यूज करके, एज ए फ्यूल के रूप में यूज करके, क्या है, आप ईंधन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इट विल हेल्प कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ एंड प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, जो हमारा वेस्ट था उसको हमने यूज किया और इसी में प्रोसेस में हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की, ठीक है जी, टू अवर रूरल यूथ स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ये बात होगी। पैलेट्स वुड प्रोवाइड मच मोर हीट, हीट ज्यादा मिलेगी, अमिट फ्यूर पार्टिकुलर मैटर्स, प्रदूषण कम होगा एंड ऐश राख कम बनेगी, देन फ्रॉम बर्निंग एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कोल, तो मतलब हमको फायदा ही है, ये एक बात होगी। आगे है टॉप फाइव स्टेट और ड्यूटीज विद मैंग्रोव कवर इन इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, आपने याद रखना वेस्ट बंगाल में, फिर बात आती है बिल्कुल उसके पश्चिम में क्या है, गुजरात, गुजरात की बात आती है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पहले तीन वाले उठा लो, बाकी दो चाहे रहने दो, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर बाकी अंडमान एंड निकोबार में, बस। सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वाला एरिया जहां पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है, इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये बात होगी। आगे है जी ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, भी हमारे प्लैनेट में क्राइसिस आएगा, उसके तीन डिमेंशन है, कौन कौन से देख लेते हैं। द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस रेफर्स टू द थ्री मेन इंटरलिंक्ड इश्यूज दैट ह्यूमैनिटी इज फेसिंग करंटली, मीन हमारे को, हमारे इंसानियत, हम इंसान को तीन क्या है, मेन इंटरलिंक्ड इशू है, ऐसे इशू जो आपस में इंटरलिंक्ड भी है, कौन कौन से है वो, दिस इंक्लूड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़ा खतरा, पोल्यूशन हमको खतरा,
और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रही है, ये हम सबको क्या है, खतरा है। तो ये क्या है, सारे आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक। तो ये क्या है, क्राइसिस है, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। तो हमारे ग्रह के लिए ये क्राइसिस है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस। ग्रीन क्रैकर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।